मैर को पकड़ा गया जो कि एक फेरी का काम करता है, बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है। उमैर से भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। मिठनपुरा में 3 टाइम बम के साथ गिरफ्तार मोहम्मद जावेद और हिरासत में लिए गए सैफ व उमैर से पूछताछ के बाद एटीएस की टीम ने बुलंदशहर यूपी के मोहम्मद शमी को देर रात मिठनपुरा इलाके से हिरासत में लिया। रविवार की रात बुलंदशहर की पुलिस टीम और एटीएस पूछताछ में मुजफ्फरपुर पहुंची। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद शमी कुछ दिन पहले ही पुलवामा से लौटा था। मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत सिन्हा ने मामले में जावेद व उसके फरार भाई जैकी के खिलाफ एनडीपीएस आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। जावेद को पुलिस ने शाम में कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। डीआईयू की टीम ने शुक्रवार की देर रात 3 कोठिया मोहल्ले में स्मैक की सूचना पर छापेमारी की थी, जिसमें टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस 3 टाइम बम भी मिले थे। इसके बाद राष्ट्रीय एजेंसियां हरकत में आई। एटीएस और एनआईए की जांच का दायरा अब मुजफ्फरपुर से बुलंदशहर और पुलवामा तक पहुंच रहा है। मुजफ्फरपुर निवासी जावेद से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियां अब उसके भाई जैकी की तलाश में जुटी है। बताया गया कि टाइम बम की बरामदगी के बाद जैकी भी घर में था, लेकिन वह पीछे की छत से कूदकर फरार हो गए। उसके पकड़ में आने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि जब्त हुआ टाइम बम शहर में किस जगह प्लॉट किया जाता। अब तक की छानबीन के बाद बताया गया कि बरामद टाइम बम की घड़ी पश्चिम बंगाल से मंगाई गई थी। पुलवामा से ट्रेड शातिरों के द्वारा टाइम बम को स्थानीय स्तर पर बनाने की आशंका है। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं एडीजी बिहार जितेंद्र सिंह गंगवार, आप पहले खुद सुने। उमैर को पकड़ा गया जो कि एक फेरी का काम करता है, बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है। उमैर से भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा बुलंदशहर पुलिस और बाकी सहयोग से भी वहां भी छापेमारी की गई है, परंतु उस घर पर भी बुलंदशहर पर भी कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में जो करीब 600 ग्राम स्मैक और जो ठोस पदार्थ मिला है, 100 स्मैक की पुड़िया मिली है, 5 कारतूस का खोखा भी मिला है और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और जो बम जैसा सामान मिला है वो 3 मिले हैं, 4 मोबाइल फोन भी मिले हैं। इस क्रम में जो कांड दर्ज किया है उसमें हमने एनडीपीएस की धारा लगाई है, यानी जो मादक पदार्थ की धारा है, हमने उसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी लगाया है और हमने उसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया है, चूंकि कारतूस के खोखे भी मिले। अब जो हमारे पास में एक व्यक्ति गिरफ्तार है उसकी जो पूछताछ है उसके आधार पर और जो मोबाइल फोन है उनके आधार पर आगे विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस की टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, जैसे ही कोई उपलब्धि होगी हम आपको बता देंगे। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में हमारी एटीएस की टीम भी वहां जांच कर रही है और जो भी एजेंसी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी हम उनसे तहकीकात भी कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं और आगे फॉलो अप एक्शन भी कर रहे हैं। ऐसा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, मैंने आपको वो सूचनाएं दी जो वेरीफाइड है जहां तक हमारी सूचना आगे बढ़ी। तीनों धाराओं में केस दर्ज हो गया और गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है, बाकी जो पूछताछ में चीजें आई हैं उसका भी वेरिफिकेशन हो रहा है राज्य के अंदर राज्य के बाहर दोनों जगह हमारी टीमें काम कर रही। जैसा आपको बताया बुलंदशहर भी गई थी, लेकिन वो जो तीसरा व्यक्ति है वो अभी फेरी करने वाला बताया गया, फेरी करने के क्रम में उसके जम्मू कश्मीर या साउथ के कई राज्यों में या बिहार में भी पहले आने जाने की सूचना मिली है, उस पर भी हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी कोई लिंक नहीं आया है और ये जल्दबाजी होगी कुछ कहना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अनुसंधान नहीं, एनआईए की जांच स्वतंत्र होती है, उसकी कोई सूचना मुझे नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह नशाबंदी को सफल बनाने के क्रम में जब छापेमारी हुई उसमें ये सारी बरामदगी हुई और उसी क्रम में मैंने आपको बताया कि किस तरह से बिहार पुलिस के द्वारा अन्य राज्यों में जाकर के भी हम लोग कर रहे हैं।